पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध का हीरो लड़ाकू विमान MiG-27 आज वायुसेना से रिटायर हो गया है। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस में 7 लड़ाकू विमानों ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस दौरान वायुसेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। विदाई के दौरान MiG-27 को सलामी भी दी गई। MiG-27 ने 3 दशक तक भारत की वायुसेना की सेवा की। बता दें कि 7 लड़ाकू विमानों वाले इस स्क्वाड्रन को 31 मार्च 2020 को नवंबर प्लेटेड किया जाएगा। जोधपुर एयरबेस पर हुई इस डी इंडक्शन सेरेमनी में वायुसेना के कई अधिकारी मौजूद रहे। वायुसेना में अब MiG-27 की जगह MiG-21 लड़ाकू विमान में ले ली है। 3 दशक से अधिक की उल्लेखनीय सेवा के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-27 लड़ाकू विमान वायुसेना स्टेशन जोधपुर से एक भव्य समारोह में डीकमीशन का किया गया। भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में 1985 में शामिल किया गया यह अत्यंत सक्षम लड़ाकू विमान जमीनी हमले की क्षमता का आधार रहा। वायुसेना के सभी प्रमुख ऑपरेशंस में भाग लेने के साथ MiG-27 ने 1999 के कारगिल युद्ध में भी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। बता दें कि भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन 29 इकलौती यूनिट है जो MiG-27 के अपग्रेड वेरिएंट का अब तक इस्तेमाल करती आ रही है। MiG-27 का 2006 का उन्नत वेरिएंट आखिरी स्क्वाड्रन में अब तक सक्रिय रहा है। मिग सीरीज के अन्य वेरिएंट MiG-23BN और MiG-23MF और विशुद्ध MiG-27 पहले ही भारतीय वायुसेना के रिटायर हो चुके हैं। स्क्वाड्रन की स्थापना 10 मार्च 1958 को हलवारा में ओरागन एयरक्राफ्ट के साथ हुई। दशकों तक स्क्वाड्रन में विभिन्न तरह के लड़ाकू विमानों जैसे कि MiG-21-27, MiG-21 Type 96, MiG-27 MFL और MiG-27 अपग्रेड का इस्तेमाल किया गया। जोधपुर में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर शुक्रवार को हुई इस इंडक्शन सेरेमनी में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल SK घोलिया ने की। JBD banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।